हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और नी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल यूजेज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स विच इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। क्या बोल रहा है, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं कि सी प्लस प्लस में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। कंपोनेंट्स कहने का क्या अर्थ है, जैसे सी प्लस प्लस स्टार्ट विथ हेडर फाइल। क्या करता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, किससे करता है, हेडर फाइल से। प्रारंभ कहाँ से, प्रोग्राम को प्रारंभ कहाँ से करता है, इंटर मेन से, फंक्शन से। और किससे होता है, ब्रैकेट होता है। और क्या होता है, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप। और क्या होता है, और होता है गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, ये सब क्या हो गए, उसके कंपोनेंट्स हो गए। तो चलिए आज हम लोग उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में, कि उसमें कौन कौन से हेडर फाइल यूज होते हैं, कौन कौन से गेट, कौन कौन से इनपुट का उसमें प्रयोग होते हैं, कौन कौन से आउटपुट प्रयोग होते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ऑल यूजेज कंपोनेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में प्रयोग होने वाले सभी कंपोनेंट्स, इन विच, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, इन विच नंबर वन हेडर फाइल। क्या आता है नंबर वन में, पहला हम लोग का क्या आता है, हेडर फाइल। क्या आता है, हेडर फाइल। देन व्हाट इज द हेडर फाइल, हेडर फाइल किसे कहते हैं, हेडर फाइल किसे कहते हैं, दोज प्रोग्रामिंग। क्या दोज प्रोग्रामिंग, विच इज कंटेन एंड स्टोर द मीनिंग ऑफ फंक्शन, मीनिंग ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेडर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। चलिए इसको लिख के समझते हैं कि हेडर फाइल किसे कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, दोज प्रोग्राम विच यूज्ड फॉर कंटेन एंड स्टोर द मीनिंग ऑफ फंक्शन। क्या बोल रहा है, दोज प्रोग्राम विच यूज्ड फॉर कंटेन एंड स्टोर द मीनिंग ऑफ फंक्शन in C++ programming, programming is known as header file। तो क्या बोल रहा है कि हेडर फाइल किसे कहते हैं, दोज प्रोग्राम, वह प्रोग्राम या तो वैसा प्रोग्राम, विच इज, जिसका, विच मीन्स जिसका, विच यूज्ड फॉर कंटेन एंड स्टोर, जो क्या करता है, अपने अंदर जमा लेने के लिए, क्या, अरे और क्या, स्टोर मतलब जमा करने के लिए, द मीनिंग ऑफ फंक्शन। क्या मीनिंग ऑफ फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज नोन एज हेडर फाइल। तो क्या बोल रहा है कि हेडर फाइल किसे कहते हैं, वैसा प्रोग्राम, क्या वैसा प्रोग्राम जो अपने अंदर क्या करता है, जिसका प्रयोग किसके लिए, कंटेन करने के लिए, क्या अपने अंदर जमा करने के लिए, स्टोर, किसका, कंटेन एंड स्टोर। क्या बोल रहा है, कंटेन मीन्स भी क्या होता है, जमा करना, स्टोर मीन्स भी क्या होता है, जमा करना। तो जिसका प्रयोग हम लोग कंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, किसका, फंक्शन का, क्या मीनिंग, अर्थ किसका, फंक्शन का, अर्थों को, जो क्या है, फंक्शन जो लिखा रहता है नीचे, उनके अर्थों को क्या हेडर फाइल क्या करता है, हेडर फाइल अपने अंदर क्या करता है, जमा करता है, क्या करता है, जमा करने के लिए यूज, प्रयोग करता है।
उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेडर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं और हेडर फाइल किसे कहते हैं। हाँ, और करके आप लिख सकते हैं जैसे द द द हेडर फाइल, हेडर फाइल, द हेडर फाइल, द हेडर फाइल इज ऑलवेज ऑलवेज रिटेन रिटेन टॉप ऑफ द टॉप प्रोग्रामिंग, टॉप ऑफ द प्रोग्रामिंग एंड 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 इट इज क्या, एंड इट इज इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एच, क्या डॉट एच इज 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 नॉन एज, इज नॉन एज हेडर, इन नॉन एज हेडर फाइल, क्या इन नॉन एज हेडर फाइल। तो क्या बोल रहा है कि हेडर फाइल इज ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा, क्या हमेशा, क्या हमेशा, क्या बोल रहा है, हेडर फाइल ऑलवेज रिटेन इन टॉप ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, क्या प्रोग्रामिंग के, क्या होता है हेडर फाइल, क्या क्या होता है प्रोग्रामिंग के, हमेशा क्या होता है टॉप में लिखा रहता है। क्या होता है टॉप मीन्स क्या होता है, ऊपर, सबसे ऊपर में, क्या करता है सबसे ऊपर में लिखा रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेडर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। एंड और क्या बोल रहा है, अरे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एच, और इसको किससे प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है प्रस्तुत करना, दिखाना, इसको किससे दिखाता है डॉट एच से, डॉट एच से क्या समझते हैं हम लोग कि ये हेडर फाइल है, क्या है ये हेडर फाइल है, इज नॉन एज हेडर फाइल, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। और क्या हो सकता है, एंड एंड देयर देयर आर देयर आर 49 देयर आर 49 हेडर हेडर फाइल प्रेजेंट प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है देयर आर 49, क्या देयर आर 49 हेडर फाइल प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कितने, 49 हेडर फाइल प्रेजेंट रहते हैं। क्या होते हैं? हेडर फाइल प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हेडर फाइल के, हेडर फाइल, अच्छा हम लोग हेडर फाइल किसको बोलते हैं, हेडर फाइल हम लोग जो बोलते हैंज इंक्लूड इंक्लूड हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, आयो स्ट्रीम डॉट एच। और क्या हो सकता है, हैज इंक्लूड कॉन्यू कॉन्यू डॉट एच। तो ये क्या हो गया हम लोग को, इस सबको हेडर फाइल बोलते हैं। इससे हम लोग समझ सकते हैं क्या बोल रहा है, दोज प्रोग्राम विच यूज फॉर कंटेन एंड स्टोर द मीनिंग ऑफ फंक्शन इज नॉन एज हेडर फाइल। जो क्या करता हो, एक मीनिंग फंक्शन का, क्या फंक्शन का मीनिंग का क्या करता, स्टोर करता हो, क्या फंक्शन, फंक्शन जैसे क्या हो गया, इंट हम लोग का क्या हो गया, क्या हो गया इंट हम लोग का कीवर्ड हो गया, क्या हो गया कीवर्ड हो गया। मेन क्या हो गया हम लोग का, मेन क्या हो गया, मेन क्या हो गया फंक्शन हो गया। तो इस मेन का क्या, इस मेन का क्या, फंक्शन का क्या चीज, इस फंक्शन के मीनिंग को, अर्थों को स्टोर करने के लिए क्या करता है, क्या करता है स्टोर करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेडर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल बोलते हैं। और क्या बोल रहा है,
और वो रहा है हेडर फाइल इज ऑलवेज रिटेन इन टॉप ऑफ प्रोग्राम। यह क्या होता है, यह हमेशा क्या होता है, प्रोग्राम के ऊपर में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, हमेशा ऊपर में। और क्या बोल रहा है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एच। और इसका देखिए क्या चीज़ से प्रेजेंट कर रहे हैं इसको, डॉट एच से। क्या चीज़ से, डॉट एच से। तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एच इज नॉन एज हेडर फाइल। उसे क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। एंड देयर आर 49 हेडर फाइल आर देयर आर 49 हेडर फाइल प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कितने, 49 हेडर फाइल प्रेजेंट रहते हैं। चलिए देखते हैं सम नेम ऑफ हेडर फाइल। क्या देखते हैं, सम नेम ऑफ हेडर फाइल, सम नेम नेम ऑफ हेडर फाइल, सम नेम ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल के कुछ नाम देखते हैं। क्या देखते हैं, हेडर फाइल के कुछ नाम देखते हैं। जिसमें हम लोग पहला क्या देते हैं, जिसमें हम लोग का पहला हो जाएगा, जिसमें हम लोग पहला दे देते हैं, पहला क्या हो जाएगा, हैश इंक्लूड इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड और कोनियो डॉट एच, कोनियो कोनियो डॉट एच। और क्या हो सकते हैं, हैज इंक्लूड स्टूडियो स्टूडियो डॉट एच। क्या, स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड मैथ मैथ डॉट एच, हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच। और क्या हो सकता है, और हैज इंक्लूड क्या कर सकते हैं, आयो मोनोपिक मोनीपिक डॉट एच। ये क्या हो गया हम लोग का, सम हेडर फाइल ETC। और भी इस तरह के हेडर फाइल होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, सम नेम ऑफ हेडर फाइल, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के अभी प्रोग्रामिंग प्रयोग करने वाले हैं, इंक्लूड आई स्ट्रीम कोनियो स्टूडियो और मैथ डॉट एच एंड मोनोपोलिक डॉट एच। इसका प्रयोग क्या करना, इसमें क्या करना है हम लोग का, इस सब का प्रयोग अभी हम लोग क्या करना है, जस्ट करना है और आगे वाले आने वाले प्रोग्राम में करना है। इसीलिए हम लोग ये सब कुछ हेडर फाइल ले लिए। क्या ले लिए, हेडर फाइल लिए, जिसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयो स्ट्रीम डॉट एच किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आयो स्ट्रीम डॉट एच किसे कहते हैं। देन फर्स्ट सबसे पहले इट इज स्टैंड्स फॉर, इट इज स्टैंड्स फॉर इनपुट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम स्ट्रीम। क्या हो गया, इट इज स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और क्या हो जाएगा, कोनियो, इट इज स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल कंसोल इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। और क्या है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इट इज अस्टेंस अस्टेंस फॉर क्या चीज, इट इज अस्टेंस फॉर स्टूडियो स्टूडियो डॉट एच। क्या, स्टूडियो डॉट एच। और क्या हो रहा है कि इन, और क्या है, इंक्लूड मैथ डॉट एच, इट इज अल, इसका क्या होता है, ये रिप्रेजेंट नहीं किया, ये तो डिनोट नहीं किया जाता, या मैथ डॉट एच ही होता है। क्या होता है, मैथमेटिकल, इसका क्या होता है, दोज फंक्शन विच इज कंटेन, जो वैसा वैसा प्रोग्राम विच इज कंटेन करता हो, किसको, मैथमेटिकल फार्मूला को। क्या, मैथमेटिकल फार्मूला को, उसे क्या बोलते हैं, मैथ डॉट एच। इसको क्या बोलते हैं, और क्या हो गया हम लोग का, इंक्लूड क्या बोल रहा है, हैश इंक्लूड
आयो, ये क्या है, आईओ मोनीपिक, आयो मोनीपिक डॉट है, क्या होता है, इट इज स्टैंड्स फॉर, इट इज स्टैंड्स फॉर इनपुट, इनपुट आउटपुट, आउटपुट मोनो पोल्यूशन, मोनो पोल्यूशन क्या होता है, इनपुट आउटपुट मोनो पोल्यूशन। तो ये क्या हो गया हम लोग का सम नेम ऑफ हेडर फाइल। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला हेडर फाइल। चलिए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच, किसका, स्ट्रीम डॉट एच। देन क्या देखने जा रहे हैं, आयो स्ट्रीम डॉट एच, पहला हेडर फाइल क्या देखने जा रहे हैं, आयो स्ट्रीम डॉट एच डॉट एच। देन आयो स्ट्रीम डॉट एच किसे बोलते हैं, देन क्या, इट इज, सबसे पहले तो यह हो जाएगा, इट इज स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। एंड क्या होता है, फ्रॉम देयर, यहाँ से, क्या, फ्रॉम देयर स्टार्ट द फ्लो द डेटा, क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, डेटा, क्या करता है, डेटा चलने का प्रारंभ करता है, क्या करता है, चलने का प्रारंभ करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयो स्ट्रीम डॉट एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयो स्ट्रीम डॉट एच बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं, लिखे क्या, इट इज स्टैंड्स फॉर, इट इज स्टैंड फॉर इनपुट, इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्ट्रीम डॉट एच। इट इज स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। एंड फ्रॉम, फ्रॉम देयर द प्रोग्राम स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट द फ्लो डेटा, डेटा इन सी प्लस प्लस, क्या क्या करता है, आयो स्ट्रीम डॉट एच, क्या करता है, इट इज स्टैंड्स फॉर, ये सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है, और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। और क्या बोल रहा है दूसरा, एंड फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से, क्या, फ्रॉम देयर मीन्स यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट द फ्लो डेटा, और यहाँ से क्या करता है, प्रोग्राम अपने डेटा का बहाव चालू करता है, मतलब अपने डेटा का काम प्रारंभ करता है, क्या करता है, चालू करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो मतलब क्या होता है, बहाव, डेटा मीन्स क्या होता है, डेटा मीन्स जो दिया जाता है इनपुट आउटपुट, उसे क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। एंड क्या हो सकता है, एंड एंड इट इज कंटेन, इट इज, एंड क्या हो सकता है, एंड इट इज कंटेन, कंटेन फंक्शन, फंक्शन सच एज, क्या बोल रहा है कि यह क्या करते हैं, अपने अंदर कंटेन करते हैं कुछ फंक्शन को, कुछ इस प्रकार है, क्या है, कुछ इस प्रकार, जैसे जैसे में हो गया हम लोग का, कौन कौन से फंक्शन ये कंटेन करता है अपने अंदर, हो गया सीन, क्या हो गया, सीन, उसके बाद क्या होगा, सीन हो गया, उसके बाद सी आउट, क्या, सी आउट, सी आउट, उसके बाद क्या हो गया, सीन, सी आउट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट, उसके बाद गेट लाइन, क्या, गेट लाइन, गेट लाइन, उसके बाद क्या करता है, गेट लाइन, उसके बाद पुट लाइन, पुट लाइन, क्या, पुट लाइन एंड ETC, यह सब क्या करता है, ये सब क्या है, फंक्शन है, ये सब फंक्शन को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है, अपने अंदर जमा करता है, इसको मीनिंग को क्या करता है, समझता है, क्या, इसके मीनिंग को समझता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं आयो स्ट्रीम डॉट एच, क्या बोलते हैं, आयो स्ट्रीम
डॉट एच, तो पे क्या हो गया हम लोग का आयो स्ट्रीम डॉट एच। चलिए अब देखते हैं दूसरा, दूसरा हम क्या है कोन्यो डॉट एच, क्या कोन्यो डॉट एच, तो दूसरा देते हैं हम लोग हेडिंग कोन्यो डॉट एच, क्या कोन्यो डॉट एच। तो कोन्यो डॉट एच क्या है वो, इट इज स्टैंड फॉर, सबसे पहले तो हम लोग इसका स्टैंड देखेंगे, इट इज स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, क्या करता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, एंड एंड इट इज कंटेन, क्या करता है इट इज कंटेन कुछ फंक्शनों को, यह भी क्या करता है अपने अंदर कंटेन करता है, और उसके मीनिंग को क्या करता है समझता है, क्या करता है उसके मीनिंग को समझता है। जैसे क्या हो जाएगा, यह क्या कर रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, इट इज स्टैंड्स, इट इज स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट, कंसोल इनपुट, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट डॉट, क्या इट इज कंटेंट फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट डॉट एच, एंड एंड इट इज कंटेन, इट इज कंटेन सम, इट इज कंटेन फंक्शन, 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 फंक्शन सच एज, सच एज। तो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो इट इज स्टैंड फॉर, या किसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, क्या करता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, और क्या बोलता है, और क्या बोला कंसोल इनपुट एंड आउटपुट डॉट एज, एंड क्या है इट इज कंटेन फंक्शन सच एज, यह क्या करता है कि यह अपने अंदर कुछ फंक्शन को क्या करता है कंटेन करता है, जमा करता है उसको, वह कुछ इस प्रकार है, क्या बोल रहा है सच एज मीन्स क्या हो गया कुछ इस प्रकार है, कौन सा कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे जो इसके द्वारा क्या कंसोल इनपुट एंड आउटपुट के द्वारा कंटेन किए फंक्शन क्या है कुछ इस प्रकार है, वो क्या क्या आता है हम लोग का, वो हम लोग का आता है, वो हम लोग का हो गया क्लियर स्क्रीन CLR SCR, और क्या होता है और हो गया हम लोग का गेट 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 CH, क्या गेट CH ETC, क्या हो जाएगा ETC, और सारे भी को क्या करता है अपने अंदर कंटेन करता है। तो हम लोगों ने दो भी लिख लिया और फिर आगे पढ़ेंगे, और क्या हो गया ये हम लोग क्या बोल रहा है कि कोन्यू, क्या कोन्यू डॉट एच किसे बोलेंगे, इट इज सबसे पहले तो अगर मीनिंग लिखना हो अर्थ लिखना हो तो इसको क्या इसका डेफिनेशन लिखना, तो इट इज स्टैंड्स फॉर, क्या इट इज स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, उसके बाद क्या लिखना है अगर उसको लिखना है इट इज कंटेन सम, क्या इट इज कंटेन सम फंक्शन सच एज, इसका पूरा पूरा नाम क्या होता है CLR SCR का क्लियर स्क्रीन, क्या होता है क्लियर स्क्रीन, एंड इट इज क्लियर स्क्रीन यूज फॉर क्या इरेज द प्रोग्राम, क्या मिटाने का, क्या मिटाने का, क्या करता है इरेज मतलब क्या होता है मिटाने, क्लियर मतलब क्या होता है साफ करने का, किसका प्रोग्राम को, और उसका और क्या हो गया गेट CH, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कोन्यो डॉट एच हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या नंबर थर्ड में, क्या स्टूडियो डॉट एच, क्या है स्टूडियो डॉट एच, तो फिर क्या देखने जा रहे हैं हम लोग स्टूडियो डॉट एच, क्या देखने जा रहे हैं स्टूडियो डॉट एच, देन हेडिंग देंगे क्या स्टूडियो डॉट एच, STDIO स्टूडियो डॉट एच, क्या स्टूडियो डॉट एच। तो सबसे पहले तो हम लोग वही लिखेंगे इट इज स्टैंड्स फॉर, या इट इज स्टैंड्स, इट इज स्टैंड्स फॉर, इट इज स्टैंड्स फॉर, क्या इट इज स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इनपुट आउटपुट डॉट एच, इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो क्या बोल रहा है कि
इट इज स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट एंड फ्रॉम देयर, और यहां से भी क्या करता है, फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर, यहां से प्रोग्राम, फ्रॉम देयर द प्रोग्राम, द प्रोग्राम स्टार्ट, स्टार्ट द फ्लो डेटा, फ्लो डेटा, यहाँ से क्या करता है, यह भी अपने डेटा को क्या करना है, डेटा का बहाव चालू करता है, डेटा को क्या करता है, डेटा को फ्लाव मतलब चलना, क्या यहाँ से डेटा को चलना हुआ प्रारंभ करता है। एंड सबसे पहले तो यह बोल रहा है कि इट इज स्टैंड फॉर इनपुट एंड क्या, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, और उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ से क्या, इस स्थान से क्या, फ्रॉम कहाँ से, स्टूडियो डॉट एच, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडियो डॉट एच द प्रोग्राम स्टार्ट द फ्लोइंग फ्लो डेटा, यहाँ से डेटा का बहाव चालू होता है, क्या डेटा अपना कार्य करना प्रारंभ करता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लो डेटा, फ्लो मतलब क्या होता है, बहाव, डेटा मीन्स क्या होता है, जो दिया जाता है, तो जो हमारे जो हम लोग देते हैं उसको क्या बोलेंगे, डेटा, उसको क्या बोलेंगे, डेटा, तो डेटा को क्या करता है, यहाँ से डेटा को क्या करता है, दिए गए डेटा को क्या करता है, बहाव चालू करता है, उसको बारे में पढ़ना जानना या तो क्या उसको समझने के लिए प्रारंभ करता है, फ्लो द डेटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड एंड और हो जाएगा, इट इज कंटेन फंक्शन सच एज, इसके द्वारा कंटेन किया, इसके द्वारा जमा किए गए डेटा कुछ इस प्रकार है, इसका हिंदी क्या होगा, इसके द्वारा कंटेन किए गए डेटा कुछ इस प्रकार है, जैसे कौन कौन से होते हैं, या अपने अंदर कौन कौन से फंक्शन को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है, तो पहला हो गया, पहला हम लोग का होता है प्रिंट, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट एफ, क्या होता है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, इसको क्या हो, इसको क्या बोलते हैं, इट इज जस्ट प्रिंट एफ, प्रिंट एफ स्टैंड फॉर प्रिंट फॉर्मेट, उसके बाद क्या होता है स्कैन एफ, क्या होता है स्कैन एफ, तो स्कैन एफ किसे कहते हैं, इट इज स्टैंड फॉर क्या, इट इज स्टैंड फॉर स्कैन द फॉर्मेट, एंड और क्या होता है प्रिंट स्कैन, उसके बाद होता है गेट्स, उसके बाद क्या होता है पुट्स, गेट्स पुट्स, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है गेट पुट्स, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है गेट, गेट सी और पुट सी, गेट सी एंड पुट सी, ये सब क्या हो गया फंक्शन हो गया, किसका स्टूडियो डॉट एच का, तो स्टूडियो डॉट एच किसे कहते हैं, इट इज स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, इसको क्या जैसे डिनोट करते हैं, इट इज स्टैंड्स फॉर, इसका मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, और फ्रॉम देयर, और यहाँ से क्या करता है, डेटा का बहाव चालू करता है, डेटा अपना कार्य करना प्रारंभ करता है, एंड द प्रोग्राम स्टार्ट फ्लो द डेटा, एंड इट इज कंटेन फंक्शन सच एज, इसके द्वारा कंटेन किए जाने वाले फंक्शन कौन कौन से हैं, प्रिंट एफ स्कैन एफ गेट गेट्स पुट्स गेट सी पुट सी, क्या गेट के कौन कौन से फंक्शन को क्या करता है कंटेन करता है, प्रिंट प्रिंट एफ स्कैन एफ गेट सी पुट सी एंड पुट सी एंड गेट्स एंड पुट्स, ये सभी फंक्शनों को क्या करता है, ये कंटेन करता है, तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया स्टूडियो डॉट एच, क्या हो गया स्टूडियो डॉट एच, चलिए अब देखते हैं हम लोग का क्या है मैथ डॉट एच, क्या है मैथ डॉट एच, तो चलिए अब देते हैं हेडिंग मैथ डॉट एच, मैथ डॉट एच, क्या मैथ डॉट एच, तो मैथ डॉट एच किसे कहेंगे, दोज फंक्शन कर सकते हैं, या तो दोज प्रोग्राम विच इज कंटेन द मैथमेटिकल फंक्शन,
अरिथमेटिकल फंक्शन। क्या बोल रहा है कि मैथ आर स्ट्रीम डॉटेज क्या है कि दोज प्रोग्राम वैसा प्रोग्राम विच इज कंटेन द मैथमेटिकल फॉर्मूल, क्या मैथमेटिकल फंक्शन इज कॉल्ड, क्या था उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग उसमें हम लोग क्या बोल, वो क्या बोल रहा है, मैथमेटिकल फॉर्मूला मैथमेटिकल फंक्शन इन विच यूज मैथ मैथ डॉट एच, मैथ डॉट एच। तो क्या बोल रहा है कि दोज प्रोग्राम वैसा प्रोग्राम जो अपने अंदर कंटेन करेगा मैथमेटिकल फंक्शन, क्या गणितीय, क्या गणितीय फंक्शन, गणितीय फंक्शन को क्या करेगा अपने अंदर क्या करेगा कंटेन करेगा, इन विच यूज मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग उसमें हम लोग मैथ डॉट एच का प्रयोग करेंगे, कौन से लेटर फाइल का प्रयोग करेंगे, मैथ डॉट एच का प्रयोग करेंगे। एंड एंड क्या हो सकता है, इट इज क्या, इट इज कंटेन फंक्शन, और इसके द्वारा कंटेन किए गए फंक्शन कौन से होते हैं, फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इसके द्वारा कंटेन किए गए फंक्शन सच एज कुछ इस प्रकार होते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पाओ, क्या होता है पाओ, और क्या होता है टेन, क्या टेन, उसके बाद क्या होता है पाओ टेन, उसके बाद क्या होता है पाओ टेन लॉग लॉग एंड ETC, ये सब क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, क्या मैथमेटिकल फंक्शन हो गया, क्या हो गया मैथमेटिकल फंक्शन। तो क्या बोल रहा है कि मैथ डॉट एच कैसे कहेंगे, वैसा प्रोग्राम इन विच, जिसमें वैसा प्रोग्राम विच इज कंटेन करता हो मैथमेटिकल फॉर्मूला को, क्या चीज़ का, मैथमेटिकल फंक्शन को, मैथमेटिकल फंक्शन को, इन विच यूज मैथ डॉट एच, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग पाओ, उसमें हम लोग क्या करेंगे मैथ डॉट एच का प्रयोग करेंगे। क्या हो कि अगर प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं और उसमें अगर मैथमेटिक क्या मैथमेटिकल फंक्शन का यूज होता हो, जैसे पाओ लोग साइन टेन कॉस ये सब फंक्शन का यूज होता हो, तो हम लोग कौन सा हेडर फाइल देंगे, मैथ डॉट एच देंगे, कौन सा देंगे मौत, क्या मैथ डॉट एच देंगे, क्या देंगे मैथ डॉट एच देंगे। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आयो क्या है, आयो मोनिपिक डॉट एच, क्या आयो मोनिपिक डॉट एच, चलिए अब देखते हैं आयो मोनिपिक डॉट एच की आयो मोनिपिक डॉट एच किसे कहते हैं। देन देन हेडर फाइल देते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या हेडर फाइल देंगे हम लोग, जिसमें हम लोग देंगे आयो आयो मोनिपिक डॉट एच, आयो मोनिपिक डॉट एच। देन आयो मोनिपिक डॉट एच किसे कहते हैं, इट इज क्या होता है, इट इज स्टैंड्स स्टैंड्स फॉर, इट इज स्टैंड्स फॉर इनपुट इनपुट आउटपुट मोनो मोनो मोनी पॉपुलेशन मोनी पॉपुलेशन मोनी पॉपुलेशन डॉट एच, मोनी पॉपुलेशन डॉट एच। एंड एंड इट इज कंटेन, क्या इट इज कंटेन फंक्शन फंक्शन सच एज, इट इज कंटेन फंक्शन सच एज एस, क्या कुछ इस प्रकार होते हैं, क्या होते हैं सेट फंक्शन, क्या होते हैं सेट फंक्शन, यह क्या करता है केवल एक ही फंक्शन को क्या करता है कंटेन करता है। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हेडर फाइल, क्या हो गया हेडर फाइल, क्या हो गया हेडर फाइल, हेडर फाइल में हम लोगों ने क्या किया स्टैंड्स फॉर, इट इज स्टैंड्स फॉर
इनपुट इनपुट आउटपुट मोनो मोनो मोनी पॉपुलेशन मोनी पॉपुलेशन मोनो पॉपुलेशन डॉट एच मोनी पॉपुलेशन डॉट एच एंड एंड इट इज इट इज कंटेन क्या इट इज कंटेन फंक्शन इट इज कंटेन फंक्शन फंक्शन सच एज इट इज कंटेन फंक्शन सच एज से सेट फंक्शन क्या होते हैं सेट फंक्शन या क्या करता है केवल एक ही फंक्शन को क्या करता है कंटेन करता है। तो क्या हो गया हम लोग का ये हो गया हेडर फाइल क्या हो गया हेडर फाइल क्या हो गया हेडर फाइल। हेडर फाइल में हम लोगों ने क्या क्या देखा सबसे पहले देखा हम लोगों ने कि हेडर फाइल कैसे कहते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ हेडर फाइल जिसका प्रयोग हम लोग कॉमनली अभी यूज करने वाले हैं और उसके बाद उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा उसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले स्ट्रीम डॉट ही देखा उसने और क्या देखा कि उसने कौन कौन से फंक्शन को कंटेन करता है। उसके बाद हम लोग क्या ने देखा हम लोगों ने क्या देखा कॉन्यू को देखा क्या हैशटैग इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच के देखा ये दूसरा हेडर फाइल देखा। तीसरा हेडर फाइल हम लोगों ने क्या देखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच देखा। चौथा क्या देखा हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच देखा। उसके बाद क्या देखा मोनोपिक मोनोपिक क्या मोनोपिक डॉट एच देखा। तो ये क्या हो गया सम क्या हो गया सम नेम ऑफ हेडर फाइल क्या हो गया सम नेम ऑफ हेडर फाइल। इस प्रकार के कितने 49 हेडर फाइल होते हैं किसमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। तो हम लोगों ने कुछ कुछ को देखा जो क्या होता है कॉमनली यूज किया जाता है जो हमारे अभी आगे के सिलेबस में क्या करेंगे इसको कॉमनली यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा हेडर फाइल। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा कंपोनेंट्स। पहला तो हम लोगों ने देख लिया हेडर फाइल नंबर टू में क्या आता है हम लोग का नंबर टू में हम लोग का आता है हेडर फाइल के बाद क्या आता है इंट क्या आता है इंट हम लोग दूसरा इंट देखा क्या क्या देख रहे हैं इंट। तो इंट किसे कहते हैं इंट इज ए क्या इंट इज ए क्या है इंट एक हम लोग का क्या कीवर्ड है क्या है कीवर्ड है एंड इट इज इट या तो कह सकते हैं विच हैव स्पेशल मीनिंग क्या है इंट ये क्या है इंट एक कीवर्ड है जिसके पास क्या आता है कुछ स्पेशल मीनिंग होता है क्या होता है स्पेशल मीनिंग होता है जैसे जैसे क्या हो जाएगा इंट क्या होगा इंट इज ए कीवर्ड क्या है कीवर्ड कीवर्ड फंक्शन कीवर्ड फंक्शन इंट क्या है कीवर्ड फंक्शन है विच हैव जिसके पास विच हैव सम विच हैव सम स्पेशल स्पेशल मीनिंग 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 इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो इंट किसे कहते हैं इंट तो सबसे पहले हो जाएगा हम लोग का इंट एक कीवर्ड है क्या इंट एक कीवर्ड है। उसके बाद क्या हो जाएगा इन जिसके पास क्या है एक स्पेशल मीनिंग का स्पेशल मीनिंग होता है मीनिंग कहने का क्या अर्थ है अर्थ उसका एक विशेष अर्थ होता है किसमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में उसे क्या बोलते हैं हम लोग उसे हम लोग इंट बोलते हैं क्या बोलते हैं इंट बोलते हैं। उसके बाद क्या है दूसरा में हम लोग का क्या आता है इंट। तो इंट को क्या हो गया इंट इज ए कीवर्ड फंक्शन क्या कीवर्ड फंक्शन विच हैव सम स्पेशल मीनिंग इज मीनिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्या होता है एक विशेष क्या होता है एक स्पेशल मीनिंग होता है किसका प्रोग्रामिंग का। उसके बाद क्या है नंबर टू में क्या देखा हम लोग नंबर टू और नंबर थ्री। नंबर थ्री में क्या आता है हम लोग का नंबर थ्री में आता है हम लोग का नंबर थर्ड में क्या आता है नंबर थर्ड में आता है इंट। उसके बाद क्या आता है मेन क्या मेन क्या मेन क्या आता है मेन देन मेन क्या है मेन इज ए फंक्शन मेन क्या है फंक्शन है क्या है मेन इज ए फंक्शन।
फ्रॉम देयर, जहाँ से क्या करता है प्रोग्राम स्टार्ट टू रीडिंग, क्या प्रोग्राम अपना क्या पढ़ना, क्या पढ़ना चालू करता है, क्या करता है समझना चालू करता है, क्या चीज़ का फंक्शनों का, क्या जो ये इनपुट एंड आउटपुट दिए जाते हैं उसको पढ़ना, पढ़ना क्या करता है प्रारंभ करता है, उसको समझना प्रारंभ करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग मेन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा मेन, मेन इज ए फंक्शन, मेन इज ए फंक्शन, मेन क्या है फंक्शन है, फ्रॉम देयर जहाँ से, फ्रॉम देयर जहाँ से प्रोग्राम, प्रोग्राम स्टार, प्रोग्राम स्टार टू रीडिंग, स्टार टू रीडिंग क्या प्रोग्राम यहाँ से क्या करता है, क्या करता है अपना कार्य को चालू करता है, क्या करता है रीडिंग पढ़ना, स्टार्ट टू रीडिंग अबाउट, अबाउट इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट क्या बोल रहा है कि मेन ये क्या है, एक मेन एक फंक्शन है, क्या है मेन एक फंक्शन है, फ्रॉम देयर जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट टू रीडिंग अबाउट इनपुट एंड आउटपुट क्या करता है कि दिए गए क्या मेन एक फंक्शन है, मेन क्या है एक फंक्शन है जो क्या करता है फ्रॉम देयर जहाँ से क्या करता है मेन जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से प्रोग्राम को क्या करता है पढ़ना चालू करता है, किसके बारे में दिए गए इनपुट, क्या दिए गए इनपुट एंड आउटपुट के बारे में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग मेन बोलते हैं, एंड और क्या सकता है एंड मेन इज ए कंपल, कंपलसरी फंक्शन, मेन क्या होता है ये कंपलसरी फंक्शन होता है, क्या होता है ये कंपलसरी फंक्शन होता है, विच इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग एंड एंड विदाउट, विदाउट मेन, मेन फंक्शन प्रोग्राम, प्रोग्राम कैन नॉट स्टार्ट रीड क्या कि क्या बोल रहा है कि मेन क्या है मेन एक कंपलसरी फंक्शन है, क्या है कंपलसरी फंक्शन है विच इज इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एंड विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम कैन नॉट स्टार्ट रीड, इसका कहने का क्या अर्थ है कि जिस प्रकार हम लोग का क्या है कि तीन चीज़ कंपलसरी, रोटी कपड़ा और मकान, हमें तीन चीज़ की कंपलसरी मतलब आवश्यक ही आवश्यक, जिसके बिना हमारा लाइफ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार प्रोग्राम में क्या है कि प्रोग्राम में मेन क्या है एक कंपलसरी फंक्शन है जिसका यूज कंपलसरी होना ही होना है, उसके बगैर आप अपना प्रोग्राम क्या करता है ना ही तो चलना प्रारंभ करता है ना ही तो कहीं जाना प्रोग्राम करता है या क्या करता है वहीं स्टॉप कर देता है, तो मेन क्या है एक कंपलसरी फंक्शन है। तो हम लोगों ने क्या देखा तीसरा, अगर देखते हैं नंबर फोर्थ में क्या होता है, नंबर फोर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं सी एल आर एस सी आर, सी एल आर एस सी आर, देन सबसे क्या है बढ़िया से लिख देते हैं इसको सी एल आर एस सी आर, सी एल आर एस सी आर, तो इसका क्या होता है सबसे पहले इट इज स्टैंड्स, इट इज स्टैंड्स फॉर क्या होता है, इट इज स्टैंड्स फॉर क्या होता है क्लियर, क्लियर सी एल ई ए आर क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन एंड इट इज यूज्ड फॉर इरेज,
इट इज यूज फॉर इरेज इरेज ई डबल आर ए जी ई इरेज द प्रोग्राम 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 इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो क्या बोल रहा है कि क्लियर स्क्रीन स्टैंड क्या होता है, सी एल आर एस सी आर का मीनिंग क्या होता है, सी एल आर एस सी आर का मीनिंग क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन मतलब साफ स्क्रीन, जिसका प्रयोग विच इज यूज फॉर इरेज, मतलब भी क्या होता है, मिटाना। इरेज मतलब क्या होता है, ये क्या हम लोगों ने लिखा हुआ है, क्या है? जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन लिख दिया, और इस फंक्शन को क्या कर दें, अगर हम मिटाना चाहें तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, क्लियर स्क्रीन का। क्या क्लियर स्क्रीन का, तो क्या होगा, इट इज स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन एंड इट इज यूज फॉर इरेज द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं या तो हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियर स्क्रीन बोलते हैं। तो क्या हो गया नंबर फोर्थ। उसके बाद क्या देखें, नंबर फिफ्थ में क्या था हम लोग का, प्रिंट ऐप। क्या था, प्रिंट प्रिंट ऐप, क्या था, प्रिंट ऐप। नंबर फिफ्थ में क्या था, प्रिंट ऐप। प्रिंट ऐप, प्रिंट ऐप क्या करता है, प्रिंट ऐप सबसे पहले इट इज स्टैंड्स, इट इज स्टैंड्स फॉर, प्रिंट ऐप किसका, प्रिंट इट इज स्टैंड्स फॉर प्रिंट फॉर्मेट, प्रिंट फॉर्मेट। इसका क्या मीनिंग होता है, स्टैंडर्ड का प्रिंट फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है, इट इज क्या करता है, फॉर्मेट को प्रिंट करता है, यानी कि क्या करता है, एंड इट इज यूज फॉर डिस्प्ले रिजल्ट रिजल्ट। क्या, इट इज यूज फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट। एंड एंड क्या हो सकता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन, क्या था इसकी, क्या चीज़ में प्रेजेंट होता है, स्टूडियो स्टूडियो डॉट एच। क्या, स्टूडियो डॉट एच। एंड क्लियर स्क्रीन, क्या क्लियर स्क्रीन किस में प्रेजेंट होता है, क्लियर स्क्रीन इट इज प्रेजेंट इन किस में होता है, आयो स्ट्रीम डॉट एच। क्या होता है, यह किस में प्रेजेंट होता है, आयो स्ट्रीम डॉट एच में प्रेजेंट होता है। और क्या बोल रहा है, और प्रिंट ऐप क्या बोल रहा है, प्रिंट ऐप इट इज स्टैंड फॉर प्रिंट फॉर्मेट। क्या, फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए, इट इज यूज फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट एंड एंड और इट इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट इन सी इन स्टूडियो डॉट एच। और ये क्या होता है, या स्टूडियो डॉट एच में क्या होता है, उपस्थित रहता है। ये कौन सा, प्रिंट भी क्या हम लोग का फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। तो यह फंक्शन किस में प्रयोग होता है, या फंक्शन किस में रहता है, जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या है, इंसान है, तो इंसान इंसान कहाँ पे रहता है, इंसान कहाँ पे रहता है, घर में रहता है। उसी प्रकार इसका घर कहाँ पर है, रिप्रेजेंट मतलब क्या है, इसका घर क्या होता है, प्रिंट ऑफ का घर क्या होता है, स्टैंड स्टूडियो डॉट एच। क्या होता है, स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, नंबर फिफ्थ, नंबर सिक्स में क्या हो जाएगा हम लोग का, नंबर सिक्स में हो जाएगा स्कैन ऐप। क्या, स्कैन ऐप, स्कैन ऐप इट इज स्कैन ऐप इट इज स्टैंड्स, इट इज स्टैंड्स फॉर, इट इज स्टैंड्स फॉर क्या चे, स्कैन ऐप। तो क्या आ जाएगा, स्कैन स्कैन फॉर्मेट, या क्या करता है, फॉर्मेट को एक्स क्या चीज स्कैन करने के लिए प्रयोग होता है, किसका, स्कैन ऐप का। एंड इट इज स्टैंड फॉर स्कैन फॉर्मेट। उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड इट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्ट, इट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्ट द वैल्यू। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं। क्या चीज, वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो इट इज स्टैंड फॉर, इसका स्टैंड फॉर मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देन इट इज स्टैंड फॉर स्कैन स्कैन फॉर्मेट। क्या, स्कैन फॉर्मेट, स्कैन फॉर्मेट। एंड इट इज यूज फॉर एक्सेप्ट द वैल्यू। और यह क्या करता है, अपने अंदर इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को, क्या,
वैल्यू को देने के लिए करते हैं। क्या ये क्या करता है, अपने अंदर वैल्यू को क्या करती है, एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, स्वीकार करता है, मतलब अपने अंदर लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैनर बोलते हैं। एंड एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन किसमें, स्टूडियो स्टूडियो डॉट एच, और यह स्टूडियो डॉट एच में प्रेजेंट रहता है। क्या चाहिए, मतलब प्रेजेंट रहने का क्या मतलब कि उसका घर क्या है, स्टूडियो डॉट एच। स्कैन एप का घर कहाँ पे, स्टूडियो डॉट एच, और प्रिंट एप का घर कहाँ पे, प्रिंट एप का भी घर कहाँ पे, स्टूडियो डॉट एच। उसके क्या देखा हम लोगों ने, नंबर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, उसके बाद नंबर 7। नंबर 7 में क्या होता है हम लोग का, नंबर 7 में आता है गेट, गेट सी एच, क्या गेट सी एच। तो गेट सी एच किसे कहते हैं, इट इज गेट सी एच किसे कहते हैं, जिसका प्रयोग इट इज यूज्ड फॉर FREEZE फ्रीज द प्रोग्राम इन C++ इज कॉल्ड गेट सी एच एंड इट इज प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट होता है, कोनियो डॉट एच क्या होता है, या कोनियो डॉट एच में प्रेजेंट रहता है। क्या कहता है, कोनियो डॉट एच में प्रेजेंट रहता है। क्लियर स्क्रीन क्या होता है, क्लियर स्क्रीन किसमें प्रेजेंट होता है, कोनियो डॉट एच में, क्या कोनियो डॉट एच, ये मिस्टेक हो गई इसके लिए सॉरी, क्या हो रहा है कोनियो डॉट एच में। क्या बोल रहा है कि इट इज यूज फॉर फ्रीज द प्रोग्राम, फ्रीज द प्रोग्राम मतलब क्या होता है, फ्रीज मतलब क्या होता है, जमाना, क्या करता है जमाना, स्टॉप करना, रोकना, क्या करता है फ्रीज, क्या करता है प्रोग्राम को, या क्या करता है स्टॉप करता है कि बस अब यहीं तक, इससे आगे नहीं जाना है। तो क्या करता है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं फ्रीज द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को जमाने या तो रोकने या तो स्टॉप करने के लिए करते हैं, उसका नाम क्या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग गेट सी एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं गेट सी एच। एंड इट इज प्रेजेंट इन कोनियो डॉट एच, और इसका घर कहाँ पे है, कोनियो डॉट एच है, क्या कोनियो डॉट एच है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, ऑल यूजेज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन C++ प्रोग्राम के सभी कंपोनेंट्स, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं एक प्रोग्राम में करते हैं, जिसमें हम लोग का पहला हम लोगों ने क्या देखा, हेडर फाइल, दूसरा हम लोगों ने देखा क्या देखा इंट, उसके बाद क्या देखा मेन, उसके बाद क्या देखा, उसके बाद प्रिंट ऐप, उसके बाद स्कैन ऐप, उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने देखा गेट सी एच, उसके और क्लियर स्क्रीन। तो क्या हो गया, ये हम लोग का ऑल कंपोनेंट्स विच इज यूज्ड इन C++ प्रोग्रामिंग, ये सब कंपोनेंट्स का प्रयोग से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक प्रोग्राम को आसानी से लिख सकते हैं और उसको रन करा सकते हैं। तो क्या हो गया, ऑल यूजेज कंपोनेंट्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं।